वालेकुम क्या हाल है आप सबका उम्मीद है सब, सब खैरियत से होंगे आज की वीडियो में मैं आपसे किचन की कुछ यूज़फ़ुल टिप्स शेयर करूँगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टिप जो है वो कुकिंग ऑयल के बारे में है और कुकिंग ऑयल जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में ही तकरीबन उसकी प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है तौर पर यहाँ यूरोप में ऑयल um, की जो प्राइसेस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं तो इसलिए ऑयल को तो बिल्कुल भी अब ज़ाया नहीं करेंगे वैसे जो फ्राइंग के लिए हम ऑयल यूज़ करते हैं उसके बारे में कहते हैं कि तीन दफ़ा से ज़्यादा जो है ना उसको हीट नहीं करना चाहिए मैं अमूमन क्या करती हूँ कि जो कुकिंग ऑयल जिसमें एक बार चीज़ कोई फ्राई कर लेती हूँ उसी को छान के उसको मैं जो डेली कुकिंग करती हूँ उसके अंदर यूज़ कर लेती हूँ बार बार उसी ऑयल के अंदर चीज़ फ्राई नहीं करती तो अगर हमने कभी कोई ऐसी चीज़ फ्राई की हो जिसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगे हों या पकौड़े वगैरह बनाएं तो छोटे छोटे जर्रे जो है ना खाने के वो ऑयल के अंदर नीचे बैठ जाते हैं तो वो जब आप उसको छलनी से भी छान लें तब भी वो ठीक से ऑयल जो है ना वो क्लियर नहीं होता तो उसको साफ करने का तरीका ये है कि एक बड़ी सी छलनी लेके उसके अंदर किचन पेपर रखें और उसके अंदर सारा ऑयल जो है वो डाल दें बहुत ज़्यादा ऑयल अगर आपके पास है तो उसको दो दफ़ा आप इसको इस तरह से ड्रेन कर लें तो क्या होगा कि जो टिश्यू है ना जो आपने किचन पेपर रखा है वो सारे जो खाने के ज़र्रे हैं ना उनको रोक लेगा और ऑयल जो है वो छलनी से फिर नीचे जो बर्तन होगा उसके अंदर आ जाएगा वैसे अगर आप छलनी के जरिए छानते हैं तो फिर मोटे मोटे जो खाने के ज़रे होते हैं वो तो रह जाते हैं ऊपर लेकिन जो बिल्कुल बारीक ज़रे होते हैं खाने के वो अंदर आ जाते हैं ऑयल के तो इस ट्रिक से अगर आप ऑयल को साफ़ करेंगे तो आपका ऑयल जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और खाने का कोई भी ज़र्रा जो है वो ऑयल के साथ अंदर नहीं आएगा अब आप इसको फ्राइंग के लिए यूज़ कर लें या फिर आप जो डेली कुकिंग है उसके लिए यूज़ कर लें आप फ्राइंग वाला ऑयल जो है उसको कुकिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं या नहीं मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा हमारे घर में तो हम जो पकौड़ों वाला ऑयल होता है उसको भी डेली कुकिंग में यूज़ कर लेते हैं ताकि ऑयल जो है वो ज़ाया ना हो दूसरी टिप ये है कि जब भी हम कोई जार या जैसे जैम वगैरह लेके आते हैं या शीशे की बॉटल्स में जो अचार होता है उसकी बॉटल को हम खोलने की कोशिश करते हैं तो ढक्कन इतना ज़्यादा सील हुआ होता है कि उसको खोलना मुश्किल होता है तो इस जार को खोलने का बहुत आसान सा तरीका यह है कि इस बॉटल को आप उल्टा करें और इसकी कैप के अंदर साइड पे थोड़ा सा आपको चम्मच या किसी चम्मच की बैक जो होती है वो ले लें या जो बटर नाइफ होता है उसके साथ थोड़ा सा ढक्कन के अंदर डाल के इसको बाहर की तरफ करें तो प्रेस करेंगे तो हवा जो है उसके अंदर जो होगी वो निकल जाएगी जो एयर बबल होता है तो उससे आपका ढक्कन जो है वो आसानी से खुल जाएगा और एयर बबल जब निकलता है तो आपको आवाज़ भी आएगी जैसे बॉटल का ढक्कन खुलने की आवाज़ होती है इस तरह से आपको आवाज़ भी आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ढक्कन जब लूज़ हो गया है तो उसको आराम से आप खोल लें नेक्स्ट जो टिप है वो बहुत मज़े की है जब हमने स्पगैटी का खोलना होता है रैपर तो हम ज़्यादातर इस करते हैं कि कैंची के साथ उसको काटते हैं तो आपको कैंची की ज़रूरत नहीं है आप इसको हाथ से आराम से भी खोल सकते हैं तो आप स्पगैटी को इस तरह सीधा पकड़ लें और उसके बाद उसको आप ज़ोर से काउंटर के ऊपर मारेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका स्पेगेटी का जो रैपर है वो खुल जाएगा और नेक्स्ट टिप ये है कि जो स्पेगेटी हमारी खुल जाती है जैसे आपने एक पैकेट खोला उसमें से आधी स्पेगेटी जो है वो आपने बना ली है आधी जो है वो बची हुई है तो उसको या तो हम किसी शॉपिंग बैग में डाल के रख लेते हैं या फिर जो खाली बॉक्सेस होते हैं प्रिंगल्स वगैरह के उसके अंदर भी डाल के बाद लोग रखते हैं तो मैंने जब भी इस तरह स्पगेटी को प्रिंगल्स के बॉक्सेस में या इस तरह रखने की कोशिश की है तो हमेशा जब भी बॉक्स नीचे गिरता है तो वो बॉक्स खुल के सारी स्पगेटी जो है वो बिखर जाती है और दूसरा यह है कि जो स्पेशल कंटेनर्स होते हैं वो इस तरह की चीज़ें रखने के लिए हमारे यहाँ किचन्स में इतनी जगह नहीं होती अलग से जैसे पेंट्री नहीं होती हमारे पास तो मैं हमेशा जब स्पगेटी बनाती हूँ तो मेरी जब स्पगेटी बच जाए तो इसको मैं रखने के लिए एक खाली जो स्पगेटी पगैटी का होता है रैपर उसके अंदर इसको डाल के रखती हूँ तो इस तरह से जहाँ से स्पगेटी का जो रैपर है वो खुला हुआ है उसको आपने जो बंद रैपर है उसके अंदर उस तरफ से डालना है इससे क्या होगा कि अगर आपकी स्पगेटी जो है वो कैबिनेट खुलने से नीचे भी गिरती है तो तब भी आपकी स्पगेटी जो है वो ज़ाया नहीं होगी बिखरेगी नहीं और आज की वीडियो की लास्ट टिप ये है कि अगर आपने पिज़्ज़ा स्लाइस जो है उसको गर्म करना हो तो और आपके पास माइक्रोवेव ना हो तो पैन के ऊपर गर्म करने का तरीका यह है कि पैन को आप हल्का सा गर्म करें उसके ऊपर आप पिज़्ज़ा का स्लाइस रखें और थोड़ा सा पानी डालें और उसके बाद इसको कवर कर दें पानी डालने से जो स्टीम बनेगी उस स्टीम से आपका पिज़्ज़ा जो है वो रीहीट हो जाएगा और जो पिज़्ज़ा का स्लाइस है वो बिल्कुल फ़्रेश हो जाएगा ये थी आज की वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी इसमें से कौन सी टिप आपके लिए नई थी मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इस टाइम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़